दूसरा एक मर्सराइजेशन की बात करते हैं मर्सराइजेशन ऑल्दो इट इज अ टाइप ऑफ केमिक टेक्सटाइल प्रोसेसिंग बट हम इसको यहाँ पे कंसीडर कर रहे होते हैं इसमें क्या होता है 18% परसेंट एन से आप रिएक्ट कराते हो uh, इसमें इससे फायदा क्या होता है जो आपका राउंड uh, uh, आपका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है वो आपका राउंड uh, हो जाता है मीन्स uh, uh, आपका ये जो है यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर बन जाता है मर्सराइजेशन के बाद में तो मर्सेराइज्ड जो भी कॉटन होता है दैट इज मोर यूनिफॉर्म एज कंपेयर टू द अनमर्सराइज्ड दूसरा आपका फैब्रिक का फैब्रिक ज्यादा ओपन हो जाता है फैब्रिक के अंदर डाई अपटेक बढ़ जाता है इसमें क्या फायदा क्या होता है डाई अपटेक इंक्रीजेस एनीवेज का यूज करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेशन करते हैं एक चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट फिनिशिंग में हो जाती है दैट इज़ ऑल्दो इट इज़ नॉट अ टाइप नॉट टोटली अ टाइप ऑफ फिनिशिंग बट इसमें आपके गेट के हिसाब से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि आपको टी और टी वैल्यूज़ याद होनी चाहिए ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर और मेल्टिंग टेम्परेचर सारे फाइबर्स का याद होना चाहिए आई विल टेल इट टू यू कि किसका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कितना होता है दूसरा अगर हम बात करते हैं एक होता है पिल्स का फॉर्मेशन होता है जैसे हम बात करते हैं कि वूल है तो वूल में पिलिंग का कंसेप्ट आता है आप देख रहे होंगे कि जो वूलन के फैब्रिक्स हैं हम लोग ठंड में देखते हैं जो स्वेटर्स होते हैं उसमें छोटे छोटे से छोटे छोटे से स्पॉट्स आ जाते हैं तो, तो दैट इज पिलिंग तो बेसिकली ये क्या होता है हाई टनासिटी फाइबर्स होते हैं ये किस वजह से डिपेंड करते हैं ये डिपेंड करते हैं आपके यार्न कंस्ट्रक्शन फैब्रिक कंस्ट्रक्शन और फाइबर टाइप पे डिपेंड करते हैं तो इसके लिए हम लोग पुल रिमूवल के लिए क्या यूज़ करते हैं जो फिनिशिंग में क्रॉपिंग को यूज़ करते हैं, शीरिंग, शीरिंग और सिंजिंग को यूज कर लेते हैं हम लोग सिंजिंग में क्या होता है आप प्रोट्यूडिंग फाइबर्स को जला देते हो इन द सिंजिंग। इसमें गैस सिंजिंग वाला और को यूज करते हैं तो लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर आप केमिकल्स को यूज करोगे ये तो मैकेनिकल हो गए ये सारे आपके मैकेनिकल हो गए आपने को यूज़ किया क्रॉपिंग में उसने काट दिया सारे पिल्स को को बट आप केमिकल्स अगर यूज़ करते हो तो इन द पिलिंग प्रोसेस तो अगर आप पिलिंग में केमिकल्स को यूज करते हो तो फाइबर या फैब्रिक की स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है स्ट्रेंथ रिड्यूस हो जाती है वी यूज़ द केमिकल्स दूसरा एक फिनिशिंग का एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है एंटी स्टैटिक फिनिश ये 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 क्वेश्चन भी गेट 2019 में आया था आई गो सो एंटी स्टैटिक फिनिश का तो ये सबसे ज्यादा यूज कहां किया जाता है सिंथेटिक में यूज करते हैं तो एंटी स्टैटिक फिनिश का ये इतना वन मार्क में क्वेश्चन था पॉलिस्टर नाइलॉन एंटी स्टैटिक का मतलब हो गया स्टैटिक चार्ज स्टैटिक चार्ज हमारा डेवलप ही हमारा उसमें होता है सिंथेटिक में जो भी हमारे नेचुरल फाइबर्स हैं उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है तो दीज आर अनचार्ज तो सिंथेटिक में क्या होता है आपका बॉन्ड टू बॉन्ड बनता है तो उसकी वजह से आपका चार्ज डेवलप हो जाता है तो स्टैटिक चार्ज का फॉर्मेशन ही सिंथेटिक में होता है अगर आपको नेचुरल दिया जाए तो दैट तो इज रॉन्ग एंटी स्टैटिक जहाँ पे हम यूज ही वहां पे करेंगे सिंथेटिक फाइबर्स में सिंथेटिक फैब्रिक्स में तो पॉलिस्टर और नायलॉन में आप एंटी स्टार्टिक फिनिशेस का यूज करते हो ज्यादा वाटर मतलब यहाँ पे क्या है ज्यादा वाटर होगा तो ज्यादा चांसेस होंगे चार ज्यादा होगा कंपेरेटिवली तो हम लोग उसको यूज़ करेंगे तो इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि वाटर इंक्रीजेज द स्टार्टिक चार्ज बिटवीन द फाइबर और अदर लिक्विड सोल्यूशन वाटर के कॉन्टैक्ट में क्या होता है वाटर को अगर आप बात करो तो ये H प्लस और OH एच माइनस आयनस में ब्रेक हो जाता है तो ये आयनिक होता है और आयनिक के आयंस की वजह से ही तो हमारा स्टाटिक चार्ज डेवलप हो रहा होता है तो इस तरह से हम लोग कंडीशन करते हैं तो बेसिकली ड्राई कंडीशन में वाटर का वाटर कम होता है तो स्टाटिक चार्ज के फॉर्मेशन कंपेरेटिवली uh, कम हो जाते हैं इसमें एंटी स्टाटिक

वाटर रिपेलेंट फिनिश की अगर हम बात कर रहे हैं तो वाटर रिपेलेंट फिनिशेस में अगर हम कंसीडर कर रहे होते हैं तो इसमें आप बात करते हो इसको हम यूज करते हैं सिंथेटिक में कोटिंग पर्पज से तो सिलिकन्स का यूज करते हो आप सिलिकन्स सिलिकन्स को कहाँ यूज करते हैं कौन कौन से फैब्रिक्स में विस्कस रेऑन एसिटेट रे या सेलुलोजिक ब्लेंड्स में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं दूसरा फ्लोरो केमिकल्स को हम लोग यूज़ करते हैं फ्लोरो फ्लोरोकेमिकल्स को यूज करते हो कहां पे सॉयल रिलीज फिनिश में सॉइल रिलीज फिनिश में क्या होता है जहां पे सॉयल के एक्मलेशन के चार्जेस ज्यादा होते हैं और ये जो प्रॉपर्टी होती है पॉलिस्टर में सबसे ज्यादा होती है इसलिए फ्लोरोकेमिकल्स को हम लोग यूज करते हैं एज सॉइल रिलीज एजेंट्स और वाटर एंड ऑयल रिपेलेंट के लिए यूज करते हैं ऑयल रिपेलेंसी में भी आप यूज करते हो ये गेट टू में ये क्वेश्चन था कि वाटर रिपेलेंसी और ऑयल रिपेलेंसी के लिए इनमें से कौन से फैब्रिक्स को हम लोग यूज करेंगे ऑयल रिपेलेंसी के लिए फ्लोरोकेमिकल्स को क्यों यूज करते हैं क्योंकि फ्लोरोकेमिकल

तो हम वहाँ पे डीएमईयू का यूज करते हैं DMDHU का आपने पढ़ा होगा, डीएम कंडेंसेट जो हमारा बनता है तो इस तरह से डीएमई यू का यूज कर रहे होते हो आप इसमें अच्छा एक मॉथ प्रूफिंग कंसेप्ट होता है फिनिशिंग में मॉथ प्रूफिंग क्या चीज होती है मॉथ प्रूफिंग आपने देखा होगा कि हम लोग उसमें जो वूलिन बॉल्स होते हैं नैपथलिन बॉल्स को हम लोग यूज़ करते हैं मॉथ प्रूफिंग में तो मॉथ्स बेसिकली क्या होते हैं वो वूल को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो इट डिस्ट्रॉयज द वूल उसमें येलोनेस का अपियरेंस आ जाता है और हमारी फास्टनेस प्रॉपर्टीज भी पुअर हो जाती हैं तो हम लोग मॉथ प्रूफिंग एजेंट्स का यूज कर रहे होते हैं जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का यूज़ करते हो टू रिमूव द मॉथ्स जैसे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स uh, मीन्स फ्लोरिन आप यूज़ कर रहे हो अगर तो इससे भी मॉथ प्रूफिंग के लिए आप मॉथ्स को रिमूव कर सकते हो और दूसरे कुछ आते हैं एंटी मनी एसिड्स भी यूज़ करते हो आप डी को भी यूज़ किया जाता है तो दीज आर सम टाइप्स ऑफ मॉथ प्रूफिंग एजेंट्स जिसमें कि हम लोग कैलकुलेशन कर रहे होते हैं